इस वीडियो में हम उल्लू बना दिया पापा वाले पेट को पूरा देखने वाले हैं। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो, भरोसा रखो। कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वार रुकवा दी पापा और फिर हमारे वार रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी सात समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार। मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा। ध्रुव राठी का ये वीडियो ट्विटर पर वायरल जा रहा है। इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा था कि मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी। ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये बात आप खुद ध्रुव राठी से सुन लो। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज कही थी। अब आप यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट से ही सुन लो कि उनकी कितनी मदद की गई थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडिया से मिला है जिसने आपकी हेल्प करी हो कि आप पोलैंड की तरफ क्रॉस कर सके फिर आ सके वापस? हम पोलैंड बॉर्डर तक खुद आए हैं, कोई ऑफिशियल नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। चलो हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है। तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुँच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? सारे कंट्रीज के स्टूडेंट को बहुत ही इज्जत के साथ लेके जा रहे हैं सिवाय इंडियंस के। हमको पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है।